आगे वो लिखते हैं, क्या खाने के बर्तन में हाथ धोना गलत है? तो देखिए, खाने के बर्तन में उमूमन अगर आप एहतियात करें तो बेहतर है, सिवाय इस चीज़ के कि जो हाथ आप चाट रहे हैं ना, और 10 प्लेट को चाटना है, तो आप अगर आप ये सोचते हैं कि चाटने के बदले मैं हाथ धो लूँगा फिर प्लेट में उसको घुमाऊंगा और पी लूँगा, तो ये दुरुस्त है, इसलिए कि उसमें चाटना भी हो जा रहा है, दस्त दोनों साफ रहा, समझ रहे आप बात को? ये अब बहुत से लोग करते भी ऐसा, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, उसको साफ करते पीते, तो बाजू वाला क्यों क्या हुआ, खयारी यार मेरे को उसको वो करते हुए देखकर, है ना? इसलिए कि हम अननेसेसरी, एक ऐसे अननेसेसरी हाइजीन, जिसको अननेसेसरी एटिकेट्स और मॉरल्स की दुनिया में आज जीते हैं, जहाँ गंदी से गंदी चीज़ खा ली जाए लेकिन अगर वो खाए तो दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई चीज़ सुन्नत मुताबिक की जाए तो नहीं, वो बहुत खयाती मतली आती फला होता। ऐसा कोई इंसान खाना खाता है, अब खिलाल करने में क्या होता है, मुँह में कुछ गजाइयात रहती है, अब वो चाहता है गजाइयत थूकने में चले जाएंगे, तो क्या करता, पानी लेता कुल्ली करके पी लेता, तो बाजू वाला क्या गंदा आदमी है, तो क्यों तुम्हारे मुँह में कुल्ली किया उसने? नहीं, गंदगी क्या थी, उसके मुंह में ही था ना, वो जब खा रहा था तो गंदा नहीं, सिर्फ पानी से घुला के पी ले तो गंदगी, मतलब हमने जो पैमाने सफाई और गंदगी के बना दिए, ये गैर शरई पैमाने हैं, इनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा हमको, इन पैमानों को, ये कोई शरई उसूल नहीं है, और जहाँ शरई उसूल है उनको बालाए ताक रख चुकी है हम उठाकर, पहले जो सुन्नत है, जो एटिकेट्स और अखलाक सुन्नत से साबित है वो छोड़ चुके हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के अखलाक ला के बस अपनी जो है अखले लड़ा रहे हैं शरीयत के अंदर। तो अगर कोई आदमी बर्तन में हाथ धो रहा है इस उससे कि यार ये चाटना जमेगा नहीं, या फिर तेज़ी ज़्यादा थी, और फिर पानी डालता है उसमें और बर्तन को पी लेता है, वेल कोई मसला नहीं। इसी तरह धोने को हाथ कोई जगह नहीं है और उसमें हाथ धो लेता है और कोई ले आके फेंक देता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। ये हालात माहौल पर डिपेंड होंगे, यहाँ तक सिचुएशन पर ये बातें तब्दील होती जाएंगी, और इस्लाम इतना सादा दीन है ना, इसकी सादगी को आप समझिए।